तीन हिंदू लड़कियों के साथ कुछ लड़के छेड़छाड़ करते हैं, जिसके बाद उनकी मुस्लिम फ्रेंड उनको हिजाब पहनने की सलाह देती है, क्योंकि हिजाब पहनने वाली लड़कियों को अल्लाह प्रोटेक्ट करता है, और ऐसे करके लड़कियों का ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, जिसके बाद वो हिजाब पहनना शुरू कर देती है। मुस्लिम लड़की की बातों में आकर वो लड़कियां नमाज और अपने धर्म को छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाती है। ये सब एक प्लान का हिस्सा होता है। शालिनी अब्दुल नाम के लड़के से निकाह कर लेती है और अपनी फैमिली को छोड़ देती है। निकाह के बाद शालिनी को उसके हस्बैंड द्वारा सीरिया ले जाया जाता है ताकि वो अपनी जिंदगी शांति से जी सके। सीरिया जाकर शालिनी को पता चलता है कि वो एक बड़े जाल में फंस चुकी है। सीरिया जाकर उसे टेररिस्ट में शामिल कर दिया जाता है। वहां से शालिनी का बचना नामुमकिन है। ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है। आपका इसको लेके क्या कहना है?